नमस्कार, आप देख रहे हैं एसटीवी न्यूज़ और मैं हूं विश्वजीत झा। दिनभर की तमाम बड़ी खबरों की शुरुआत से पहले इस वक्त की हेडलाइंस। पटना में विधानसभा मार्च के दौरान आरजेडी कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच भिड़ंत, जमकर हुई पथराव, कई लोग हुए चोटिल। देश में एक बार फिर फूटने लगा है कोरोना बम, जिले के चिकित्सक लोगों से सजग रहने की कर रहे हैं अपील। मोतिहारी शहर को स्वच्छ, सुंदर, व्यवस्थित और अतिक्रमण मुक्त बनाने को लेकर अब चारों तरफ से उठने लगी है आवाज। बुद्धिजीवी वर्ग अब आगे आकर जिला प्रशासन व नगर निगम से कर रहे हैं मांग। सिवान में एमबीआई अर्चना कुमारी द्वारा चलाया गया वाहन चेकिंग अभियान, कटे चालान। रेल पुलिस ने सप्तक्रांति एक्सप्रेस में जांच के दौरान 19 बोतल विदेशी शराब को किया जब्त, नरकटियागंज जंक्शन का है मामला। शबे बारात एवं होली पर्व को लेकर मोतिहारी नगर थाना परिसर में संपन्न हुई शांति समिति की बैठक, थाना क्षेत्र के गणमान्य लोग रहे उपस्थित। होली से पहले सुगोली पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, भूसा में छुपा कर रखे गए 41 बोतल विदेशी शराब को किया गया बरामद। ग्रामीण चिकित्सक एसोसिएशन ने आज की प्रेस वार्ता, पूर्वी चंपारण के अपने एक ग्रामीण चिकित्सक को झूठे मुकदमे में फंसाए जाने की कही बात, पुलिस प्रशासन से की इसकी निष्पक्ष जांच की मांग। समाजसेवी एजाज अहमद के पहल के बाद शंकर सैया दक्षिणी पंचायत में लगने शुरू हुए बिजली के पोल, बरसों से बांस और लकड़ी के खंभे के सहारे दौड़ती थी बिजली की नंगी तार। सिवान के पत्रकार भवन में सईद आजम, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को लोगों ने किया याद, तस्वीर पर माल्यार्पण कर दी श्रद्धांजलि। बीएड प्रशिक्षुओं को शैक्षणिक भ्रमण के लिए विभागाध्यक्ष ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व का करेंगे भ्रमण। सिवान में नीमा के द्वारा रक्तदान शिविर का किया गया आयोजन, गरीब असहाय लोगों की मदद करना है उद्देश्य। सुगोली में सड़क किनारे पढ़ने की उम्र में सर्कस दिखाने को मजबूर छोटे छोटे मासूम, करतब दिखा परिवार का करते हैं भरण पोषण। सुगोली पीएससी में बिहार दिवस की रही धूम, पूरे परिसर में कैंडल लाइटिंग लोगों को कर रहा था आकर्षित। सुगोली के सुधीर सेवा सदन में भी मनाया गया बिहार दिवस, निदेशक बोले समृद्ध रहा है बिहार का अतीत। मझौरिया के लालसरिया में रामधुन से वातावरण हो रहा है भक्तिमय, बड़ी संख्या में श्रद्धालु हो रहे हैं शामिल। एमजे के यूथ क्लब की लगातार दूसरी जीत, रॉयल क्रिकेट क्लब को 5 विकेट से हराया। सुगोली के भटवलिया में प्रखंड स्तरीय क्रिकेट टूर्नामेंट के पहले मैच में सुगोली ने पहाड़पुर को हराया। और जिला क्रिकेट लीग के एक रोमांचक मुकाबले में रॉक स्टार स्पोर्ट्स क्लब की टीम 15 रन से विजयी। प्रदेश की मुख्य विपक्षी पार्टी आरजेडी ने सरकार की नीतियों के खिलाफ आज पटना में विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान आरजेडी कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच जमकर भिड़ंत देखने को मिली। विधानसभा मार्च के दौरान तेजस्वी यादव के नेतृत्व में हजारों आरजेडी कार्यकर्ताओं ने गांधी मैदान से डाकबंगला के रास्ते विधानसभा मार्च करने की कोशिश की। इस दौरान जमकर बवाल हो गया। इस दौरान पुलिस की कार्रवाई में कई राजद कार्यकर्ताओं के जख्मी होने की खबर है, वहीं कुछ पुलिस वालों के भी जख्मी होने की खबर आ रही है। पुलिस की कार्यवाही में चंपारण राजद के भी कई नेताओं और कार्यकर्ताओं के जख्मी होने की खबर है। आज पटना में हुए हाई वोल्टेज बवाल के बाद शिवहर से राजद के लोकसभा प्रत्याशी रहे और राष्ट्रीय जनता दल के वरीय नेता सैयद फैसल अली से हमारे प्रधान संपादक अंसारुल हक ने बात की। आज जो घटना हुई है पटना में, जो लाठीचार्ज हुआ है, उसमें राजद के कई कार्यकर्ताओं के नेताओं के जख्मी होने की बात सामने आ रही है, तो इस पूरे मसले को आप किस रूप में देख रहे हैं? देखिए, ऐसा है, ये बात बिल्कुल पहले भी हम लोग को शक नहीं था और अब भी शक नहीं है कि नीतीश कुमार निरंकुश हो गए हैं, उनका मानसिक संतुलन बिगड़ गया है, उनकी बीमारी हालत सही नहीं है। इस तरह से जनतांत्रिक एक प्रदर्शन के ऊपर बर्बरता से लाठी चलवाना, लोगों को पीटना, लोगों को दौड़ा दौड़ा के मारना, ये बहुत ही बुरी बात है और जनतंत्र में, लोकतंत्र में इसकी कोई जरूरत नहीं है और हो भी नहीं सकता है। दूसरी बात ये, खास करके हमारे क्षेत्र के मोतिहारी और शिवहर के जितने लोग इंजर्ड हुए हैं, अच्छे लाल यादव जो हमारे
विधानसभा प्रत्याशी थे या मदन शाह जी या धीरज यादव, ये लोग सारे बहुत कर्मठ आरजेडी के कार्यकर्ता हैं, संजय निराला जी। तो इन लोगों के ऊपर जिस तरह से लाठी चली है और बर्बरता से मारा गया है, इसकी घोर निंदा करते हैं। और एक बात याद रखिएगा कि भगवान के घर में देर है, अंधेर नहीं है। जिस तरह से आज अंधेर इन लोगों ने किया है, अंधेरगर्दी किया है पटना के सड़कों पे, वो इतिहास में लिखा जाएगा। और यही आज की घटना नीतीश कुमार के पतन का कारण बनेगी। जी फैसल साहब, ये कहा जा रहा है कि अनुमति नहीं थी, इसके बावजूद जो है प्रदर्शन किया जा रहा था, इसको लेकर के जो है पुलिस और इस भिड़ंत हुई है। देखिए एक बात बताइए कि अनुमति के लिए अप्लाई किया गया था या नहीं किया गया था? हाँ, ये बहानेबाजी क्यों नहीं अनुमति दिया आपने? सबको आप अनुमति दीजिएगा, हमको अनुमति नहीं दीजिएगा? हम बिहार की सबसे बड़ी आज भी चुनी हुई पार्टी हैं, आप अनुमति कैसे नहीं दीजिएगा? दूसरे ये कि एक शांतिपूर्ण अगर प्रदर्शन हो रहा था तो इस पर इतना ज्यादा बल प्रयोग करने की क्या आवश्यकता थी? किसी तरह की कोई वार्निंग नहीं, पुलिस आकर के डंडा बरसा रही। और ताज्जुब की बात यह है कि पुलिस के लोग ईंटा और पत्थर मार रहे हैं। ये लोकतंत्र है, ये अधिनायक तंत्र है, ये कौन सी सत्ता है, ये कौन सा नशा चढ़ा है नीतीश कुमार को और उनके इर्द गिर्द बैठे अफसरों को जो इस तरह से किया है इन लोगों ने? और कोई भी वायलेंस या किसी तरह की भी हिंसा राजद के कार्यकर्ताओं की तरफ से बिल्कुल नहीं हुई। तो ये जो बात ये लोग कह रहे हैं, ये अपने आप में बहुत ही हास्यास्पद है, अपना खुद मजाक उड़ा रहे हैं। और नेता प्रतिपक्ष जो है तेजस्वी यादव जी, उनको भी माथे पे चोट लगी। तेजस्वी जी को हिरासत में लिया गया था, अभी जो है क्या कुछ है? देखिए कोई तेजस्वी यादव जी लालू प्रसाद यादव जी के पुत्र हैं, लालू के लाल हैं, जो जिनको इमरजेंसी की जो कानून था मीसा वो नहीं डरा पाया, तो ये नीतीश कुमार क्या डरा पाएंगे? तेजस्वी यादव उससे नहीं डरने वाले हैं कि आप हिरासत में लीजिए, कब तक हिरासत में लीजिएगा, कब तक आप बंद करके रखिएगा, जेल में बंद कीजिएगा, क्या कीजिएगा, कर लीजिए। जनता तेजस्वी यादव के साथ है, जनता राजद के साथ है, जनता लालू जी के साथ है। और आज की घटना के बाद नीतीश कुमार ने जो एक मॉरल राइट होता है वो भी खो दिया है राज करने का। फैसल साहब, ये खबर आ रही है कि पुलिस वाले भी जख्मी हुए हैं, इसका मतलब दोनों तरफ से मामला संगीन है? देखिए आप पत्रकार हैं, आपको मालूम है जब इस तरह की घटना होती है तो स्थिति हाथ से पुलिस के हाथ से बाहर होती है, तो अपने को बचाने के लिए इस तरह की स्टोरीज प्लान करते हैं। आपको पता होगा पूरी व्हाट्सएप पे और हर जगह मीडिया पे चल रहा है कि किस तरह से क्रूरता से, किस तरह से बेरहमी से पीटा गया है राजद के कार्यकर्ताओं को, और सबको सब पहचान रहा है कि ये कौन आदमी है, ये कौन आदमी है, कौन, कोई उसमें अराजक तत्व नहीं था। और ये कह रहे हैं कि पुलिस वालों को चोट लगी है, पूरा का पूरा पुलिस का जो बल प्रयोग हुआ है वो आरजेडी के लीडर्स से हुआ है, और ये कहना बेबुनियाद है, सरासर झूठ है। फैसल साहब, अब आरजेडी का क्या एक्शन होगा इस घटना के बाद? देखिए हम लोग, तेजस्वी जी ने एक बात बिल्कुल साफ कर दी है कि हम लोग सड़क पे आकर के राजनीति करेंगे और विरोध प्रदर्शन करेंगे, चाहे वो जो बीएनपी का नया कानून लाने जा रहे हैं या बेरोजगारी का जो मुद्दा है जो हम लोगों के लिए सबके लिए बहुत खास और अहम मुद्दा है, हम लोग सड़कों पे आएंगे और उसकी शुरुआत हो गई है। अब आप आगे आगे देखिए होता है क्या। आज पटना में हुए इस बवाल की चश्मदीद और पुलिस कार्रवाई में जख्मी चिरैया के पूर्व राजद विधायक प्रत्याशी अच्छेलाल प्रसाद यादव ने हमें फोन पर जानकारी देते हुए इस मंजर को बयां किया। सबसे बड़ी चीज है पत्रकार बंधु, हमने तो सीन देखा है तो हमको यही लगा कि इस निरंकुश सरकार के सामने लोकतंत्र मर चुका है, लोकतंत्र का कोई महत्व नहीं है। जब हम तो पहले भी पहुंचे थे, ऐसी नहीं थी कि मेरे पार्टी के कार्यकर्ताओं की तरफ से कोई गलत काम तो किया नहीं जा रहा था। जो ही तेजस्वी जी पहुंचे हैं, उनकी गाड़ी पहुंची है, तो उधर से आज पहली बार हमने देखा कि प्रशासन के लोग पत्थरबाजी शुरू कर दिए। पत्थर चल रहा था, हम लोग बच रहे थे, तब तक उसी बीच में तेजस्वी जी के माथे पर पत्थर लग गया जी। उनका मतलब की देखभाल होने लगा, हम वहीं पर खड़े थे, स्थिति और हम लोग आगे बढ़ेंगे जी। हम लोग खड़े थे मेन जगह पर, कहीं कोई हम लोगों के तरफ से बर्बरता वाली बात नहीं थी, घेर कर लाठी चार्ज शुरू कर दिया दोनों तरफ से आकर। स्थिति वह थी
पत्रकार बंधु की लगता था कि हमारे नौजवान भाई भी मेरे साथ थे, उनकी एक बच्चे जो मेरे नीचे गिरे हुए थे हम उनके ऊपर थे, लाठी दोनों तरफ से चल रही थी। माने उस तरह की लाठी जो हमने देखा है कि इसमें हत्या भी करने में कोई दिक्कत नहीं था, हत्या की रंजिश टाइप की लाठी चल रही। अच्छा लाल जी, कितने लोग जख्मी हुए हैं आप वहाँ पे, आपके अलावा और कितने आप राजद से जुड़े लोग जख्मी हुए हैं, कुछ पता चला है? जिस समय हमने गिरा है उस समय हमारे साथ मेरे राजद के नौजवान बंधु, हमें लगता था कि वहाँ पर 50 की संख्या में थे, जहाँ दोनों तरफ से घेर कर लाठी शुरू किया गया है। मैंने एक तरफ होता है कि हाँ उधर से शुरू हुआ तो कोई आगे भागने का प्रयास किया, वो आगे और पीछे दोनों तरफ से, तो 50 की संख्या में तो वहां था। और उस समय तो और आगे कितना लोगों को लगा पूरी अंदाज तो मैं नहीं बता सकता हूँ, लेकिन हमारा हमको लगता है कि बहुत सारे लोग मैंने इसे मैंने घटना में चोटिल हुए हैं। अभी आपकी तबीयत कैसी है, आप कहाँ हैं? अभी हम दवा ववा खाए हैं सर, दवा ववा खाकर अभी हम है आराम में। पटना में राजद के लोगों पर हुई पुलिसिया कार्रवाई में मधुबन के पूर्व विधायक प्रत्याशी तथा राजद नेता मदन शाह के भी जख्मी होने की खबर है। बताया जा रहा है कि मदन शाह का हाथ टूट गया है। राजद नेता मदन शाह ने एसटीवी न्यूज को फोन कर जानकारी देते हुए बताया, शांतिपूर्ण जा रहे थे, शांतिपूर्ण तरह से जाना विधानसभा घेराव था उसमें जा रहे थे, ढकमाला चौक पर जो है पुलिस बैरिकेडिंग करके पूरा, काफी पुलिस वहां रुके हुए था और ईटा पत्थर चलाने लगा हम लोगों के ऊपर से जी, ईटा पत्थर चलाने लगा, काफी लोग घायल हो गया। उसके बाद दोनों तरफ से घेर लिया पुलिस, इधर से भी गांधी मैदान की तरफ से और उधर ढकमाला चौक वहां से, और लगा लाठी चलाने में। उसमें कितना लोगों का सर फूट गया, पैर टूट गया, मेरा हाथ टूट गया, गिर गए, रोड पर गिर गया, उससे ऊपर से मारने लगा, पीठ पर मारा, पैर पर मारा, बहुत बुरी तरह से जो है लाठी चला कर लोगों को दम। तेजस्वी जी का जो है ना सर फट गया ईटा से जी, बहुत भयंकर जो है ना कुर्ता का परिचय दिया है, ये राक्षस का सरकार है, गुंडागर्दी करवाया पुलिस से, इतना जो है ना सब पीएमसी में इलाज दे रहा है लोगों का, सब 500 आदमी के करीब लोग घायल है सर। जी जी मदन शाह जी, आपका हाथ टूट गया है जैसा आप बता रहे हैं, अभी आप कहाँ हैं, कैसे हैं? मैं पीएमसी में जो है ना प्लास्टर करवा के अभी हम रास्ते में हैं, विधानसभा जा रहे हैं, वहाँ भी कुछ घटना घटी है विधानसभा में, लोगों को मारा गया है, पुलिस मारी है राजद के विधायक लोगों को। मोतिहारी शहर को स्वच्छ, सुंदर, व्यवस्थित और अतिक्रमण मुक्त बनाने को लेकर अब चारों तरफ से आवाज उठने लगी है। शहर के बुद्धिजीवी वर्ग अब आगे आकर जिला प्रशासन और नगर निगम से मांग करने लगे हैं कि मोतिहारी शहर को अब बेहतर बनाया जाए। इस कड़ी में मोतिहारी के जाने माने यूरोलॉजिस्ट, चिकित्सक और मानवाधिकार एवं सामाजिक न्याय आयोग ट्रस्ट के बिहार प्रदेश सचिव एवं चेयरमैन संचालन समिति डॉक्टर मंजर नसीम ने जिला प्रशासन से अपील करते हुए कहा है कि शहर की ट्रैफिक व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए अतिक्रमण मुक्त हुए जगहों और फुटपाथ वाली जगहों की सतत निगरानी आवश्यक है। साथ ही उन्होंने कचरों के सही संधारण और शहर को स्वच्छ एवं सुंदर बनाने की जरूरतों को लेकर नगर निगम से अपील की है। जो कंजेशन शहर में हो गया है ट्रैफिक को लेकर के, एक उससे काफ़ी रिलीफ मिलेगा लोगों को, वो एक रूट हो जाएगा अल्टरनेटिव, और ये काम पूरा होना चाहिए, नहीं कि बीच में कुछ हुआ ड्राइव और उसके बाद बंद हो जाए ड्राइव और फिर से वापस इंक्रोचमेंट लोग कर लें। और जो अभी एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव चला था तो जितने सारे पगडंडी, फुटपाथ और लेन्स खाली कराए गए हैं, हम देख रहे हैं कि फिर से वापस उस पर वो सारे लोग अपना कारोबार शुरू कर दिए हैं, तो इस पर ध्यान देना होगा एडमिनिस्ट्रेशन को, या उनके लिए कुछ अल्टरनेटिव व्यवस्था करनी होगी ताकि फिर से वो दोबारा वहाँ अपना रोज़गार नहीं चलाएं। एक और समस्या मैं बता दूं कि जो फुटपाथ हैं चलने के लिए पैदल लोगों को, उस पर बगल के सामने वाले दुकानदार अपना सामान रखते हैं और अपना वो बिजनेस चला रहे हैं धंधा, तो इससे आमजन को बहुत परेशानी है। कचरा डिस्पोजल का एक सिस्टम होता है जो शहर में म्यूनसिपल कॉरपोरेशन वाले देखते हैं, उनका काम ये है, मैं तो देखता हूँ कि वो सारे कचरा को ला कर के जो ये मोतिहारी से बाईपास सड़क है इसके किनारे ये लोग डंप कर दे रहे हैं, जो कतई सही नहीं है, और वो उसके बाद उसको खुले में जलाते हैं,
जो धुआं निकल रहा है वो बहुत ही जहरीला है हमारे लिए, हम और पूरे एटमॉस्फेयर के लिए, क्लाइमेट के लिए। हाँ, जो प्राइम मिनिस्टर का स्वच्छ भारत अभियान चल रहा है, सरासर ये उसकी खिलाफ वर्जी है, तो इस पे भी ध्यान देने की ज़रूरत है। वैश्विक महामारी कोरोना ने एक बार फिर से पैर पसारना शुरू कर दिया है। महाराष्ट्र, गुजरात सहित देश के कई राज्यों में कोरोना संक्रमण के मामले में वृद्धि देखी जा रही है, जिसकी वजह से कई राज्यों में एक बार फिर जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। हालांकि कोविड से निपटने के लिए वैक्सीनेशन का काम जोर शोर से चलाया जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद कोरोना के बढ़ते कदम से लोग चिंतित हैं। लोगों को डर है कि कोरोना कहीं एक बार फिर से मानव जिंदगी की रफ्तार रोक न दे। ऐसे में हम सभी की यह जिम्मेदारी बनती है कि कोरोना से बचाव के लिए जो भी जरूरी कदम बताए गए हैं उसका पालन करें। मोतिहारी के चिकित्सकों ने एसटीवी न्यूज़ के माध्यम से आम लोगों से कोरोना के गाइडलाइंस का पालन करने की अपील की है। जैसा कि आप लोगों को मालूम है, कोरोना महामारी फिर से पैर फैला रहा है। ऐसे हालात में हमें कुछ नियमों का पालन करना होगा उससे बचने के, जैसे कि समय समय पे साबुन से हाथ धोना, अपने हाथों को सैनिटाइज़ करना, सोशल डिस्टेंस का पालन करना, मास्क लगाना, गर्म पानी का इस्तेमाल करना वगैरह वगैरह। इन नियमों का पालन करके कोरोना से बचा जा सकता है। मैं तमाम ज़िले वासियों को ये बताना चाह रहा हूँ कि कोरोना फिर से लौट आया है। आप ये नहीं समझे कि ये वायरस है, ये ख़त्म होने वाला है। ये वायरस फैलता है एक दूसरे से, एक इंसान से दूसरे इंसान में ये जाता है, खांसी के द्वारा फैलता है, एक दूसरे के टच करने से फैलता है। तो इससे बचने के लिए अभी आप भीड़ भाड़ वाली जगह पे नहीं जाएं, मास्क ज़रूर लगाएं, सैनिटाइज का ज़रूर इस्तेमाल करें। इसको छोड़ने पे कोरोना आपको संक्रमण हो सकता है, इसको हमेशा ध्यान में रखें। और सर्दी खांसी बुखार जो भी हो तो आप डॉक्टर से तुरंत सलाह लें और कोरोना का टेस्ट जरूर कराएं, डरे नहीं। कोरोना का टेस्ट कराने से जानकारी होने पे आप तुरंत ठीक हो सकते हैं, वरना अगर जांच नहीं कराते हैं तो यह संक्रमण आपके द्वारा आपके बच्चों को, आपके माँ बाप, भाई बहन, किसी को भी फैल सकता है। उसमें इम्यूनिटी कमज़ोर रहने पर किसी की भी मृत्यु हो सकती है। खान पान को ठीक रखें, बार बार हाथ धोएं, पानी पिएं, गर्म पानी का इस्तेमाल करें और ताज़ा खाना खाएं। इन सब बातों का हमेशा ध्यान रखें। ग्रामीण चिकित्सक एसोसिएशन बिहार ने पूर्वी चंपारण के अपने एक ग्रामीण चिकित्सक सह एसोसिएशन के जिला उपाध्यक्ष रोशन जमील को झूठे मुकदमे में फंसाए जाने की बात कही है और पुलिस प्रशासन से इसकी निष्पक्ष जाँच की मांग की है। इसको लेकर आज मोतिहारी में ग्रामीण चिकित्सक एसोसिएशन की एक बैठक हुई, जिसके बाद मीडिया से बात करते हुए एसोसिएशन के राष्ट्रीय सचिव जयेंद्र मणि मिश्रा ने कहा कि चिरैया थाना क्षेत्र स्थित माधोपुर के ग्रामीण चिकित्सक और ग्रामीण चिकित्सक एसोसिएशन के जिला उपाध्यक्ष रोशन जमील को आपसी विवाद के कारण गलत मुकदमे में फंसाकर परेशान किया जा रहा है। मौके पर मौजूद एसोसिएशन के अन्य सदस्यों ने भी अपने चिकित्सक साथी के खिलाफ हुए केस की निष्पक्ष जांच की मांग की है। ग्रामीण चिकित्सक रोशन जमील के मामले में हकीकत क्या है यह तो बाद में पता चलेगा, लेकिन इस तरह के मामलों की निष्पक्ष जांच में पुलिस की भूमिका बेहद अहम हो जाती है। हम लोग सरकार से, प्रशासन से और मीडिया से हम लोग अपील करते हैं, आग्रह करते हैं कि उनके साथ न्याय होना चाहिए। किसी भी व्यक्ति को प्रताड़ित नहीं करना चाहिए, ये सरासर नाजायज है। अगर इस तरह होगा तो प्रशासन से हम लोग का, सभी लोग का भरोसा उठेगा और ये सरकार के लिए भी अच्छी बात नहीं है। इसीलिए हम लोग को सादर अनुरोध है गवर्नमेंट से और यहाँ के लोकल प्रशासन से कि बिल्कुल निष्पक्षता से सही जाँच करके जो भी दोषी है उस पर कार्रवाई किया जाए। हमारे संगठन के लोगों को आपसी दुश्मनी के चलते या फिर राजनीतिक दबाव के चलते जो है सो झूठा झूठा केस करके फंसा रहे हैं। ऐसा एक वाक्य आया है, हमारे पूर्वी चंपारण जिला के जिला उपाध्यक्ष हैं डॉक्टर रोशन जमील, उनको जो है सो एक झूठे मुकदमा में फंसा करके, हरिजन एक्ट करवा करके, जो व्यक्ति इनको पहचानता भी नहीं है और कभी इनसे दर्शन भी नहीं हुआ, और वह व्यक्ति इनके ऊपर जो है सो केस कर दिया है हरिजन एक्ट, जिसमें हम लोगों ने थाना प्रभारी को और डीएसपी साहब को, डीआईजी साहब को सारे जगह जो है गुहार लगाया, मुख्यमंत्री दरबार में भी गुहार लगाया। और हमको यह चीज़ है कि अगर जो दोषी है उसको सही तरीक़ा से जो है सो एकदम दोषी को छोड़ा नहीं जाए, लेकिन निर्दोषी को एकदम जो है सो उस पर अत्याचार नहीं हो। इधर जब हम लोग को पता लगा हमारे एक मित्र रोशन जमील जी के साथ
सामाजिक लोग कुछ उनको केस में फंसाया है, सुनकर बहुत दुख हुआ। हम लोग यही चाहते हैं सब फ्रेंड बंधु ग्रामीण चिकित्सक को उनका केस का सही जांच कर दोषियों को सजा मिले, यही अनुरोध है सरकार प्रशासन और या बंधुओं से। खबर सिवान से है, जहां शहर के अड्डा नंबर 2 के करीब MBI अर्चना कुमारी एवं दारोगा SK पाठक द्वारा संयुक्त रूप से वाहन जांच अभियान चलाया गया। इस दौरान मास्क, हेलमेट एवं अन्य कागजातों की सघन जांच की गई एवं ऑन स्पॉट चालान भी काटा गया। इस बीच बाइक चालकों में हड़कंप मच गई। पकड़े गए लोगों का चालान काटकर उन्हें छोड़ भी दिया गया। अभी तक तो 25 गाड़ियों से चालान हुआ है, करीब 40,000 का चालान हुआ है। और ये चेकिंग मास्क के लिए है, हेलमेट के लिए है, ट्रिपल लोडिंग के लिए खास है, बाकी तो नॉर्मल पेपर ड्राइविंग लाइसेंस के लिए है, इंश्योरेंस के लिए है। पश्चिम चंपारण के नरकटियागंज रेलवे स्टेशन पर रेल पुलिस ने सप्तक्रांति एक्सप्रेस में जांच के दौरान बोगी से लावारिस हालत में बैग में रखे 19 बोतल विदेशी शराब को बरामद किया है। गौरतलब हो कि रेल पुलिस होली को लेकर पूरी तरह से सतर्क है। मामले में रेल थानाध्यक्ष संतोष कुमार ने बताया कि वरीय अधिकारियों के आदेशानुसार होली को लेकर रेल पुलिस द्वारा लगातार चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। सुगौली पुलिस लगातार शराब कारोबारियों के खिलाफ छापेमारी कर रही है। होली से पहले पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी कर पुलिस ने 41 बोतल विदेशी शराब को बरामद किया है, जिससे शराब कारोबारियों में हड़कंप मच गया है। जानकारी के अनुसार SI शकील अहमद खान को सूचना मिली कि बहरूपिया के कुरून टोला में शराब की बिक्री चल रही है। इस पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर भूसा में छुपाकर रखे गए शराब को जब्त किया है। वहीं कारोबारी पुलिस को देखकर मौके से फरार हो गया है। फिलहाल पुलिस कारोबारी को चिन्हित कर उसकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। मोतिहारी नगर थाना परिसर में रविवार को सबे बारात एवं होली पर्व को लेकर शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। इस दौरान नगर थानाध्यक्ष विजय प्रसाद राय ने अपने संबोधन में उपस्थित लोगों से कहा कि हर हाल में अपने शहर की शांति व्यवस्था को कायम रखना हम सबका दायित्व है। आगामी त्यौहार होली और शबे बारात पर्व आने वाला है। यह दोनों पर्व आपसी भाईचारे और प्रेम का प्रतीक है। गौरतलब है कि अब की बार संयोग से होली और शबे बारात एक ही साथ पड़ गया है, जिससे आपसी प्रेम और सौहार्द के साथ संपन्न कराना है, जिसमें सभी की भागीदारी अनिवार्य है। वहीं शांति समिति की बैठक में शहर के गणमान्य लोग भी उपस्थित रहे। जनप्रतिनिधियों में अगर इच्छा शक्ति हो तो कोई भी कार्य करना मुश्किल नहीं है। इस कथन को बखूबी साबित किया है पूर्वी चंपारण जिले के समाजसेवी एजाज अहमद ने। दरअसल पूर्वी चंपारण जिला अंतर्गत तुरकोलिया प्रखंड के शंकर सरिया दक्षिणी पंचायत स्थित वार्ड नंबर 11 एवं 12 में बरसों से बिजली की नंगी तार बांस और लकड़ी के खंभे के सहारे दौड़ती थी, जिससे कभी भी किसी अनहोनी की चिंता ग्रामीणों को सता रही थी। इसको लेकर स्थानीय लोगों ने कई बार जनप्रतिनिधियों और बिजली विभाग से गुहार लगाई, लेकिन नतीजा सिफर रहा। लेकिन अब समाजसेवी एजाज अहमद के पहल से यहाँ पोल लगाने का कार्य शुरू हो गया है, जिसके बाद ग्रामीणों ने हर्ष जताया है। ग्रामीणों में रामबाबू सिंह, अजमूल हुसैन, बच्चा सिंह आदि ने इस सराहनीय कार्य के लिए उन्हें बधाई दी है। गौरतलब है कि एजाज अहमद बिना किसी पद पर रहते हुए अक्सर यहाँ के लोगों की सेवा में तत्पर दिखते हैं। खासतौर से कोरोना काल में वे यहाँ के लोगों की मदद के लिए सक्रिय दिखे थे। अगली खबर सिवान से है, जहाँ स्थानीय पत्रकार भवन में शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु एवं सुखदेव की शहादत दिवस को मनाया गया। इस दौरान लोगों ने उनकी तस्वीर पर माल्यार्पण भी किया। इस कार्यक्रम में उपस्थित लोगों ने भगत सिंह की सिवान शहर में एक भव्य मूर्ति को स्थापित करने की मांग की। साथ ही और क्या कुछ कहा लोगों ने, देखिए हमारे सिवान संवाददाता मोहम्मद सादिक की यह रिपोर्ट। कुछ संगठन के लोग यहाँ मौजूद हैं, जिनका ये कहना है कि बहुत ही उपेक्षा की बात है, जो स्वतंत्रता सेनानी हैं, जिनका देश की आज़ादी में एक अहम रोल रहा है, आज वो उपेक्षित हैं इस सिवान शहर में। आज तक सिवान शहर में किसी भी तरह का उनका भव्य क्या एक छोटा भी मूर्ति कहीं पे स्थापित नहीं किया गया है, जहां पर कि लोगों की नज़र पड़े और आने वाले नई पीढ़ियों को ये पता चल सके कि शहीद आज़म भगत सिंह वाकई में हैं क्या। इसी सब कड़ी में जानने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ कुछ लोग, आइए उनसे बात करते हैं। सर बहुत स्वागत है आपका। जी क्या बताना चाहेंगे, क्या कमी है, किस उपेक्षा के शिकार हैं आप लोग सिवान शहरवासी? एक कुछ कमरेड लोग आगे बढ़ करके भगत सिंह का जो विचार था उसको आगे ला रहे हैं, और जब तक भगत सिंह के विचार को नहीं लाया जाएगा सही मायने में देश का विकास नहीं होगा। हम आज इस कार्यक्रम को कर रहे हैं क्योंकि आज देश और दुनिया अपने आप को टेक्नोलॉजी की दुनिया मांग रही है, और जिस लोगों के तहत, जिनकी कुर्बानी के तहत हम आज भारत में इस टेक्नोलॉजी को या अपने जीवन को जी रहे हैं,
या बेहतर समझ रहे हैं या और आगे जाने की कोशिश कर रहे हैं, हम उसको भूल चुके हैं जो हमारे बर्बादी का कगार बन सकता है। अभी आपकी अहम मांग क्या है, क्या चाहते हैं आप, आज का उद्देश्य क्या है? आज का उद्देश्य यही है कि भगत सिंह के सपनों का भारत चाहते हैं और सिवान में भगत सिंह की मूर्ति की स्थापना चाहते हैं। हम लोग यही चाह रहे हैं कि भगत सिंह की एक मूर्ति जो है वो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में लगे और पूरे भारत के हर प्रखंडों में दो आदमी की मूर्ति जरूर लगनी चाहिए। वो हैं बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब, जिन्होंने भारत के संविधान की रचना किया, और युवाओं के जिगर, युवाओं को हिम्मत देने वाले शहीद भगत सिंह की जब लग शहीद आजम भगत सिंह की तस्वीर लगेगी, इनकी जीवनी जब पढ़ाई जाएगी, तो हमारे यहाँ के युवा जो हैं काफ़ी हिम्मतवर होंगे और वो अन्याय के खिलाफ लड़ेंगे और ये पूंजीवाद के खिलाफ लड़ेंगे, तब हमारे देश का नक्शा बदलेगा। सिवान में नीमा द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का मुख्य उद्देश्य गरीब असहाय लोगों की मदद करना है जिन्हें खून की कमी के कारण अपनी जान तक गंवानी पड़ती है। नीमा के सभी डॉक्टर हर साल आज के दिन नीमा के बैनर तले ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन करते हैं। डॉक्टर अतिशय अहमद ने बताया कि आज के दिन शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु एवं सुखदेव के शहादत का दिवस है। जब वह भारत के लिए अपने प्राणों की आहुति दे सकते हैं तो हमें भी अपने कर्तव्य का निर्वहन करने के लिए ब्लड डोनेशन कैंप जैसा नेक काम करना अति आवश्यक है। इस कार्यक्रम में नीमा के प्रवक्ता सहित कई अन्य मौजूद थे। इसी कड़ी में हमारे साथ मौजूद हैं डीबीटी के सदस्य नेमत आज़ाद खान। आइए उनसे बात करते हैं, जो कि संस्थापक सदस्य भी हैं। आइए उनसे बात करते हैं। नेमत आज़ाद खान, एचटीवी न्यूज़ में आपका बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप आए, कवरेज दे रहे हैं आप, और सबसे बड़ी बात है जागरूकता फैलाना आपकी जिम्मेदारी है, हमारी जिम्मेदारी है, डॉक्टर साहब की जिम्मेदारी है। चाहते तो अपने क्लिनिक पे बैठते दो चार मरीज छोड़ के आए होंगे। कितना बिजी शेड्यूल होता है एक डॉक्टर का, लेकिन उसके बाद भी साल में टाइम निकाल के 3-4 ऐसे प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज़ करना, नीमा के जो सदस्य हैं डॉक्टर शाम साहब हैं, डॉक्टर चिराग साहब हैं, ये लोग करते हैं, मैं इनका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हालात तो कभी कभी ऐसा हो जाता है, आप वहाँ पे दिखा सकते हैं सुबह से अभी तक कितने रिक्वायरमेंट्स आ चुके हैं। लगभग 25-30 सैंपल है, यानी 25-30 आदमी को ब्लड दिया जा चुका है। अगर ब्लड नहीं रहेगा तो कहाँ से लोगों को मदद की जाइए। देखिए, ब्लड को नंबर 1 मेडिसिन ऑफ वर्ल्ड कहा जाता है, यानी ये ऐसी चीज़ है जो किसी दवाई से नहीं ठीक हो सकती। ब्लड का रिप्लेसमेंट ब्लड ही है, और ना ही ये किसी फैक्ट्री में बनता है, ना ही कोई दवाई इसका रिप्लेसमेंट है, ना ही किसी मशीन से बन सकता है ये। यानी एक व्यक्ति का दिया हुआ ब्लड ही दूसरे व्यक्ति को चढ़ेगा। तो इसलिए मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि भाइयों, आप भी देखें, समझें, सोचें, जानकारी लें और नियमित तौर पर रक्तदान करें। शहीद आजम भगत सिंह के शहीद पर ये नीमा ने कैंप लगा के रखा हुआ है, मतलब हर शहर में लगा हुआ है, सिवान, गोपालगंज, बेगूसराय, मोतिहारी, हर शहर में आज के दिन ही नीमा के द्वारा ब्लड डोनेशन कैंप चल रहा है। हमारे सारे डॉक्टर्स जो नीमा के डॉक्टर्स हैं वो फीमेल एंड जेंट्स सब यहाँ पर अवेलेबल है ब्लड देने के लिए, और बहुत एक्साइटमेंट है लोगों में ब्लड देने के लिए। कम से कम हम लोग जो दान कर रहे हैं वो कोई भी ज़बरदस्ती तो ब्लड लेगा नहीं, जब भी लेगा तो जेन्युइन रीज़न से ही ब्लड लेगा, तो कहीं ना कहीं हमारा जो दान है बिल्कुल जेन्युइन जगह पहुँचेगा और उसको अच्छा यूटिलाइज़ होगा। भगत सिंह की यौम शहादत के मौके पर पूरे मुल्क में जहाँ जहाँ भी नीमा की यूनिट कायम है वहाँ वहाँ खून का अतिया किया जाए, ब्लड डोनेशन कैंप लगाया जाए, ताकि जो शहीद आज़म भगत सिंह को सही माने में खिराज अकीदत पेश करने का नीमा ने इस साल ये तरीक़ा सोचा, और बहुत ही बेहतरीन तरीक़ा है, चूँकि भगत सिंह ने भी एक क़ुरबानी अपने जिनको कि शहीद आज़म यानी कि उनकी शहादत को तमाम शहीदों के बीच में सबसे अजीम मकाम हासिल है। सुगौली प्रखंड के PSC परिसर में बिहार दिवस के अवसर पर धूम देखने को मिली। इस अवसर पर PSC परिसर में मोमबत्ती जलाया गया और पूरे परिसर को सजाया गया। BHM धर्मराज कुमार ने बताया कि बिहार दिवस के अवसर पर आज हर्षोल्लास से परिसर में बिहार दिवस मनाया गया और सभी विषयों पर विस्तृत रूप से चर्चा की गई। सरकार के द्वारा चलाई गई जनहित योजनाओं के बारे में लोगों को विस्तृत रूप से जानकारी दी गई। वहीं मौके पर PSC के कर्मचारी भी मौजूद रहे। हम लोग आज सभी अस्पताल कर्मी अस्पताल में मोमबत्ती जला करके सभी अस्पताल को प्रकाशमय कर रहे हैं। हम लोग का कर्तव्य है कि जो भी यहाँ रोते हुए आते हैं, हम लोग अपना मेहनत जितोड़ मेहनत करते हैं ताकि सभी यहाँ हंसते हुए जाए, उसी के खुशी में हम लोग मोमबत्ती जला रहे हैं ताकि सभी के जीवन में
प्रकाशमय हो और इसी की खुशी में हम लोग हर्षोल्लास के साथ बिहार स्थापना दिवस मना रहे हैं। सुगौली के सुधीर सेवा सदन में बिहार दिवस धूमधाम से मनाया गया। बिहार दिवस के अवसर पर डॉक्टर सुधीर कुमार के द्वारा निःशुल्क इलाज किया गया और मुफ्त दवा का वितरण भी किया गया। एसटीवी न्यूज से बात करते हुए डॉक्टर सुधीर कुमार ने बताया कि 22 मार्च साल 1912 में बिहार को बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग कर राज्य बनाया गया था, इसलिए हर साल राज्य सरकार 22 मार्च को बिहार दिवस मनाती है। बिहार की गौरवशाली यात्रा महज 109 साल पुरानी नहीं है, बल्कि इसका अतीत हजारों वर्षों से बेहद समृद्ध रहा है। बिहार ने देश दुनिया को शताब्दियों से रास्ता दिखाया है, तो इसलिए हम बिहार वासियों को इस दिन को बहुत गर्व के साथ याद रखना चाहिए और मनाना भी चाहिए कि आज के दिन अगर हम बंगाल प्रोविंसी से अलग नहीं हुए रहते तो हमारी अपनी कोई पहचान नहीं रहती और हम जो आज पूरे विश्व में बिहारियों का एक अलग तरह से देखा जाता है, जिसमें बहुत सारे प्रतिशत भाषाशाली हमारे यहाँ के जो हैं मतलब बच्चे हुए, बहुत बड़े बड़े जो पॉलिटिकल लोग हुए, सब लोगों का जो है आगे जो नाम किए, तो उसके साथ बिहार का नाम बढ़ता चला। पश्चिमी चंपारण जिले के नरकटियागंज में टीपी वर्मा कॉलेज से बीएड सत्र 19-20 एवं 20-22 के प्रशिक्षुओं को वाल्मीकि नगर शैक्षणिक भ्रमण के लिए विभागाध्यक्ष डॉक्टर अनंत झा ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान कॉलेज के प्राचार्य विमल वर्मा ने बताया कि पाठ्यक्रम के साथ शैक्षणिक भ्रमण भी एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। शैक्षणिक भ्रमण के लिए सहायक प्राध्यापक अतुल कुमार और प्रियंका श्रीवास्तव को कोऑर्डिनेटर बनाया गया है। शैक्षणिक भ्रमण से व्यवहारिक ज्ञान, बौद्धिक और मानसिक विकास होता है। इस भ्रमण से प्रशिक्षुओं को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। वहीं कोऑर्डिनेटर सह सहायक प्राध्यापक अतुल कुमार एवं प्रियंका श्रीवास्तव ने बताया कि सभी प्रशिक्षु इस भ्रमण से काफ़ी उत्साहित हैं। इस भ्रमण से पुस्तकीय ज्ञान के अलावा व्यवहारिक ज्ञान के साथ साथ एक एक तथ्य समझने को मिलेगा। भ्रमण के दौरान अच्छा रिपोर्ट प्रस्तुत करने वाले प्रशिक्षुओं को 25 मार्च को प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। दिव्या मैम तथा हमारे सभी से समस्त शिक्षकगण यहाँ के बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें बताए हैं। यहाँ के नेपाल के पानी में हमने आज इस जिस युग में हम जी रहे हैं, एक तो कोरोना काल से निकल के हम बाहर आए हैं, तो बहुत ऐसा समय हो गया था कि जब हम अपने घरों में बंद थे। वैसे तो सर्कस एक प्रकार का मनोरंजन का साधन होता है, जिसे सभी आयु वर्ग के लोग पसंद करते हैं, और इसे पसंद करें भी क्यों ना, क्योंकि इसमें विविध प्रकार के कर्तव्य जो दिखाए जाते हैं। लेकिन सवाल यह है कि सर्कस में जिस उम्र के बच्चों को प्रस्तुत किया जाता है, क्या वह सही है? हमारा कहने का मकसद यह है कि आप तस्वीर में छोटे छोटे बच्चों को देखिए, इनकी उम्र महज 5 से 8 साल ही होंगे, जो पढ़ने लिखने का उम्र होता है, और इस उम्र में ये नन्हे मुन्हे बच्चे अपने कठिन प्रशिक्षण के बाद इस तरह से जगह जगह सड़क के किनारे अपनी कर्तव्य दिखाकर अपना और परिवार का भरण पोषण करते हैं। सुगौली से ये रिपोर्ट हमारे संवाददाता मुन्ना कुशवाहा ने भेजी है। मुन्ना ने जब बच्चे के माँ नंदिनी से पूछा कि इनका स्कूल जाने का समय है, इन्हें स्कूल क्यों नहीं भेजते, तो माँ का सीधा जवाब था, सर हम लोग नहीं कमाएंगे तो खाएंगे क्या। बच्चों को स्कूल भेजने का मन तो करता है, पर पारिवारिक हालात इतने ख़राब हैं कि मजबूरी में ये काम करना पड़ता है। मझौलिया प्रखंड के लाल सरिया में 24 घंटे के नाम धुन कीर्तन वातावरण को पवित्र बना रहा है। वाल्मीकि नगर से आए महिला और पुरुष मंडलियों ने अपने गायन और अभिनय से उपस्थित श्रद्धालुओं को मंत्रमुग्ध कर दिया है। नाम धुन कीर्तन सुनने के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। बजरंग युवा पूजा समिति थरेसरी चौक लाल सरिया द्वारा इस सामूहिक अष्टयाम का आयोजन किया गया है। अब खबर खेल की। सुगौली के भटवलिया में शिव शक्ति क्रिकेट क्लब श्रीपुर भटवलिया के द्वारा एक क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। प्रखंड स्तरीय T20 क्रिकेट टूर्नामेंट का पहला लीग मुकाबला सुगौली और पहाड़पुर के बीच खेला गया, जिसमें सुगौली की टीम विजयी रही। टूर्नामेंट का उद्घाटन समाजसेवी सुकन शाह ने किया। मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे सुकन शाह ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में प्रतिभा की कमी नहीं है, इस तरह के आयोजन से प्रतिभा सामने आएगी। मौके पर खिलाड़ी और ग्रामीण उपस्थित रहे। गांधी मैदान मोतिहारी के ग्राउंड नंबर 1 पर चल रहे स्वर्गीय प्रदीप नंदन शर्मा मेमोरियल जिला क्रिकेट लीग के ए डिवीजन के मैच में टॉस जीतकर पहले खेलते हुए रॉयल क्रिकेट क्लब रक्सौल की टीम ने 40 ओवर के मुकाबले में 29.2 ओवर में 102 रन सभी विकेट खोकर बनाया। टीम की ओर से बल्लेबाजी में आकाश ने अर्धशतकीय पारी खेलते हुए 51, शाहरुख ने 15 और एजाज ने 13 रन बनाए।
एमजे के यूथ क्रिकेट क्लब के गेंदबाज इमरान हाशमी व शेख फरीद ने 3-3 और सरफराज ने 2 विकेट लिए। लक्ष्य का पीछा करने उतरी एमजे के यूथ क्रिकेट क्लब ने 22.5 ओवर में विजयी रन हासिल कर लिया और मैच को 5 विकेट से जीत लिया। टीम की ओर से बल्लेबाजी करते हुए इमरान हाशमी ने 37, अनमोल ने 12 और राशिद ने 10 रन बनाए। रॉयल क्रिकेट क्लब रक्सौल के गेंदबाज राजेश ने 3 और एजाज व आदर्श ने 1-1 विकेट चटकाए। मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार एमजे के यूथ क्लब के इमरान हाशमी को उनके हरफनमौला प्रदर्शन के लिए दिया गया। मैच में एम्पायर की भूमिका डीसीए पैनल के बीच जमा सिद्दीकी व मोहम्मद आलमगीर ने निभाई, जबकि स्कोरिंग की भूमिका शिवम कुमार सिंह ने की। गांधी मैदान मोतिहारी के ग्राउंड 2 पर हुए बी डिवीजन के मुकाबले में टॉस जीतकर पहले खेलने उतरी रॉक स्टार स्पोर्ट्स क्लब की टीम केसरिया ने 40 ओवर के मुकाबले में 30 ओवर में 149 रन सभी विकेट खोकर बनाया। टीम की ओर से बल्लेबाजी में भरत ने 22, रागीब ने 19 और अदनान ने 17 रन का योगदान दिया। ब्रावो क्रिकेट क्लब के गेंदबाज ओजस वर्मा ने 3, सोनू और अंजित ने 2-2 विकेट लिए। लक्ष्य का पीछा करने उतरी ब्रावो क्रिकेट क्लब की टीम 28.4 ओवर में 134 रन पर ही सभी विकेट खो दिए। ब्रावो क्रिकेट क्लब के बल्लेबाज वरुण ने 39, मोहित ने 25 और आदित्य ने 17 रन का योगदान दिया। और रॉक स्टार क्रिकेट क्लब केसरिया के गेंदबाज तेज अफसर खान ने 2 और रागीब ने 1 विकेट लिए, जबकि 4 बल्लेबाज रनआउट हुए। मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार रॉक स्टार के तेज अफसर खान को उनके हरफनमौला प्रदर्शन के लिए दिया गया। मैच में अंपायर की भूमिका बीसीए लीड पैनल के वेद प्रकाश और मोहम्मद कुदूस ने निभाई। आज के लिए बस इतना ही। एसटीवी न्यूज़ पर प्रसारित होने वाली खबरें, प्रोग्राम्स आप जीटीपीएल के चैनल नंबर 985 और डेन के चैनल नंबर 155 के साथ साथ आप अपनी सुविधानुसार मोबाइल फ़ोन पर भी देख सकते हैं। अगर आप हमें यूट्यूब के माध्यम से देखना चाहते हैं तो एसटीवी न्यूज़ के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर ताज़ा वीडियोज़ की नोटिफिकेशन प्राप्त करें। फेसबुक पर जुड़ने के लिए एसटीवी न्यूज़ के फेसबुक पेज को लाइक करें और ट्विटर पर एसटीवी न्यूज़ को फॉलो करें। तमाम लेटेस्ट अपडेट के लिए देखते रहिए उत्तर बिहार का सबसे तेजी से उभरता हुआ न्यूज चैनल एचटीवी न्यूज, सच की आवाज़। नमस्कार।